जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम जो है वो हम क्योंकि हमारा ऑलरेडी हीलियम 10 चल रहा है, ठीक है, तो हम सीखेंगे कि आज हम एक कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गई, ठीक है, मिसाल की बात है, इसकी प्राइस भी अच्छी है, ठीक है, बाकी स्टेट्स भी इसके अच्छे हैं, अब आपको ये खरीदने जाना है, ठीक है, तब आप ये जरूर ख्याल रखा करें। और ये मैं आपको एक जेन्यन बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने गलत वेरिएशन परचेज कर ली ना, ठीक है, और उसके स्टेट्स आपने चेक नहीं किए, आपको चेक करना ही नहीं आता वेरिएशन का, तो सारा पैसा आपका डूब जाएगा, ठीक है, चाहे वो आपका हो चाहे वो आपके क्लाइंट का हो, ठीक है, क्योंकि जो स्टोरेज फीस होती है ना वो इतनी ज्यादा होती है, दूसरी चीजें भी आती हैं, ठीक है, तो आप गलत वेरिएशन देखें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब आपको क्या पता आप ये वाला कलर ले रहे हैं या ये वाले कलर में ले रहे हैं या ये वाला कलर है या इसके क्या फायदे हैं, ये दूसरा है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिक रही है, ये आपको जरूर देखना है, ठीक है, हैं ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट की है, ठीक है। अब इसको हम चेक करने का जो पहला मैन्युअल तरीका है, पहले वो देख रहे हैं, ठीक है, आप नीचे आए, सबसे पहले आपने ऊपर ये अभी कौन सा सेलेक्ट किया हुआ, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपने सेलेक्ट किया हुआ, अब आप इसका बीएसआर देखेंगे, ठीक है, बीएसआर आप नीचे आके देखें ताकि आपको पता चले कि इसकी ये जो सेल है इसकी कैसी है, बीएसआर से हमें पता चलता है ना कि ये अच्छा प्रोडक्ट है बुरा प्रोडक्ट है, ये देखें, इसकी डिटेल में आते हैं, यहाँ पर नहीं है और नीचे जाना पड़ेगा, सर ये लिखा हुआ ये बेस्ट रहा, सेलर रैंक। हाँ 12, 12, ठीक है, 12 किस में है, पेट सप्लाईज में है, ठीक है, और डॉग ट्रीट कुकीज इसमें है, इसका जो है वो कितना है, 1 नंबर है, ठीक है, अब ये तो हो गई रैंक, इसका बीएसआर हमने देखा, मैन्युअली चेक किया अब मैनुअल, अब ये क्या किसका बीएसआर है, ये इस वाली प्रोडक्ट का है, ये वाली वेरिएशन का है, वेरिएशन और प्रोडक्ट देखें क्लियर करना होगा, ठीक है, अब आप मिसाल की बात है ये वाला जब आप सेलेक्ट करेंगे ना तो अब ये वेरिएशन चेंज हो गई, प्रोडक्ट वही है लेकिन वेरिएशन चेंज हो गई, अब इसका आप चल के देखें जरा, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि अमेजोन चेंज नहीं करता वेरिएशन को भी, सेम रेटिंग बता रहा होता है, सेम वो चीजें दे रहा होता है, देखें इसने उसी वेरिएशन को भी सेम बीएसआर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कभी कभी मैनुअल काम नहीं करता, मतलब हमारे काम का नहीं है कि जो हम देखना चाह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो सेम आ रहा है, अब क्या करें, अब हम जो है टूल की हेल्प लेंगे, ठीक है, वेरिएशन हमें देखना है कि हम कौन सा हमें बाय करना चाहिए, आखिर ये वाला बाय कर लें तो ये चलेगा, ऐसे तो नहीं है हमारे गले में तो नहीं अटक जाएगा ये, ठीक है, इसका बीएसआर थोड़ा एक और दफा देख लेता हूँ, देखें इसका चेंज हुआ, इसका 11 है, उसका 12 था, इसका 11 है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई, ठीक है, इसके अलावा भी हमें देखना है, ठीक है, और ये परचेजिंग करने से पहले 3-4 दिन तक आपको इसको वॉच करना होता है, ठीक है, पहले तो हम छोटा सा हमने काम किया, वो हमने क्या किया, इसको हमने जाके मैन्युअली चेक किया, अब उसके अलावा क्योंकि भाई जनाब आप कारोबार कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे, बस ऐसे रेंडमली आपने देख लिया और चले गए खरीदारी करने, ऐसा नहीं है, ठीक है, अब आप जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर आपकी नजरें हैं, ठीक है, और ठीक ठाक होंगी नजरें, ठीक है, अच्छा जी सॉरी, अच्छा जी, अब आपके पास है हीलियम 10, ठीक है, यहाँ पर भी इसी पेज पे खुलेगा हीलियम 10, ठीक है, अब आप आके इधर देखें, पहले इसका सेल्स रैंक भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बाकी सारे दोनों मैंने बंद कर दिए, सिर्फ ये सेल्स रैंक खोला हुआ है, ठीक है, अब ये इसका ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका बीएसआर अच्छा है, ठीक है, जी, सेल्स 11 रैंक नंबर, को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अगर सेल्स ज्यादा होंगी तो सेल्स रैंक बीएसआर मतलब कम होगा, ठीक है। ये इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप लोगों ने ग्राफ कैसे देखना है, ठीक है। ग्राफ देखने का यही तरीका होता है कि अब सेल्स रैंक का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं,
तो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा इट मीन्स हमारी सेल्स कम हुई, मतलब बीएसआर अगर ज्यादा हुआ तो सेल्स कम हुई, और अगर ग्राफ ये नीचे को आएगा इट मीन्स सेल्स अच्छी हुई। बिल्कुल, ठीक है, ये 30 डेज का है, ये 90 डेज आप लगा लें। जी ठीक है, नॉर्मली हमने 90 डेज का ही देखना है। ठीक है, यहां से गया था, ये यहां से फिर नीचे आया है, जबरदस्त अच्छे तरीके से चल रहा है। मतलब है कि कुछ अरसे के लिए इसकी सेल्स कम हुई थी और फिर वापस ठीक हो गया, सेल्स रैंक वापस नीचे को आ गया। अब इसमें आप देखें कि ये आप तो ये पूरी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ये तो एक वेरिएशन के बारे में तो बता ही नहीं रहा, हमें तो कोई एक प्रोडक्ट हम अब नो इसकी वेरिएशन है। अब आप मुझे बताएं एक एक को वेरिएशन के अगर हम 500 पीस लेंगे तो हमारी बजट कहाँ चली जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है हम एक या दो पे जाएंगे ना, और हम उस वेरिएशन पे जाएंगे जो ज्यादा बिकती होगी। ठीक है, तो इसने इसने तो टोटल 9 वेरिएशन का एक साथ इकट्ठा बता बता दिया, तो ये नहीं चाहिए हमें। हम फिर क्या करेंगे, पहले सबसे जाएंगे ये एक्सरे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरे शीट खोलेंगे। एक्सरे शीट पे आपने क्लिक किया, अब आपकी जितनी इसकी वेरिएशन होगी ना, उस सारी वेरिएशन की सारी चीजें हमें बताएगा, सेल्स रैंक इसका बताएगा, इसकी जो मंथली कितनी बिकी है। ठीक है, सारी चीजें ये बता देगा। ठीक है, बीएसआर इसका क्या है, सेल्स रैंक क्या है, ये मंथली इसकी कितनी प्रोडक्ट सेल होती हैं, कौन सी वेरिएशन की सेल होती है, ये सारी ये देखे बता रहा। ठीक है, अब एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी ये वेरिएशंस हैं। ठीक है, अच्छा ये एपीआईज के उसमें होता है, हालांकि इधर देखें 15 तक आ रही है, इसको आप वो घबराना नहीं। ठीक है, आपने जस्ट इसमें से वही सेलेक्ट करनी है जो ज्यादा बिकती हो। ठीक है, उसी को ही आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर ये यहां से आपको फिर एसएन नंबर भी मिलेगा, फिर इसकी जो है आप डायरेक्ट ये ओपन करेंगे तो इसी से आपको जो है वो प्रोडक्ट नंबर मिलेगा, सारी आइडिया यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, जी, अब अच्छा हमें ये कैसे पता चलता है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी वेरिएशन बिक रही है? जी, बिल्कुल, ये देखें इसका ये सेल्स ग्राफ है। ठीक है, अब ये वेरिएशन का असल ग्राफ यहां से पता चलता है, हर एक जी वेरिएशन का। ठीक है, ये 30 डेज का वेरिएशन है, अब तीन लाइनें आ रही हैं ना, ये क्या है, 7 डे मूविंग एवरेज, इसको बंद कर दें। ठीक है, समझने के लिए ट्रेंड लाइन, इसको भी बंद कर दें। ठीक है, ये वाली सेल्स है, अब ये है सेल्स इसकी। ठीक है, इस वेरिएशन की ये हमें बता रहा है कि भाई ये कितने हद तक ये गया है। ठीक है, ये 30 डेज की है, 90 डेज तक हम देखते हैं कि कैसी गई है इसकी रैंक। वो देखें वो वाली सेल्स रैंक वो बीएसआर की रैंक थी। ठीक है, वो किस तरह हम देख रहे थे, वो ऐसे नीचे जा रही थी तो हम खुश हो रहे थे कि चलो यार ये अच्छी प्रोडक्ट है, अब ये ऊपर जा रही है तो हम यहाँ पर हम खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुश हो सेल्स रहे का हैं। ग्राफ है, ये सेल्स का एग्जैक्टली ग्राफ है। ठीक है, जी अच्छा इसको कंफर्म करने के लिए ये देखें ये कितना बता रहा है, 1801। ठीक है, अब इसको बंद करें, इसकी सेल्स आके देखें, इसकी सेल्स आपको यहाँ पर बताएगा। एक मिनट, सेल्स यही है, प्राइस सेल्स, अच्छा एक मिनट, इसका ये बीएसआर बता रहा होगा, एक मिनट, बेस्ट सेलर 20, वेट, ठीक है, अच्छा जी 90 डेज का आपने ये देखा, वॉल्यूम सेल्स रैंक इसका यहां तक ये गया। ठीक है, ऑल टाइम 1 ईयर का देख लेते हैं इसका, ऑल टाइम 1 ईयर का भी ये ऑल टाइम का ये है, तकरीबन सेम है। ठीक है, वेरी नाइस, अच्छा जी, और यहाँ पर ये देखें 12 इसको दिया हुआ है, 11 इसको दिया हुआ, अब इस 12 में से 11 में से कौन सा बेहतर होगा, बीएसआर जो सबसे ज्यादा कम होगा। कम होगा। ठीक है ना, बीएसआर उसको हम यहाँ से आके देखेंगे, यहाँ से आके देखेंगे कि यार कौन
कौन सा जो है वेरिएशन ज्यादा चलता है। अब यहाँ पे तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं, 11-12, तो इसमें से तो आप जी अपने हिसाब से ही ले लेंगे। लेकिन बाज जी मरतबा ऐसे होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, फिर आपको जो है वो वेरिएशन आप यहाँ से आके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका वेरिएशन चेक करेंगे सारी चीजें, ठीक हो गया। अच्छा वेरिएशंस कैसे चेक करनी है सबको, अगर क्लियर है तो एक दो स्टूडेंट प्लीज बता दें कि ओके, अगर नहीं समझ में आया तो ये स्टेप हम रिपीट कर देते हैं। रिपीट कर दीजिए सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाएं, ये वाला प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर अच्छा ये। ये प्रोडक्ट सर, एक मिनट, बच्चों को एक दफा पूरी कहानी पीछे से थोड़ी सी रिपीट कर देते हैं कि ये एक प्रोडक्ट हमने कैसे निकाली, जो क्राइटेरिया के मुताबिक हमने ब्रांड न्यू टू देखा और उसमें अमेजोन नहीं है, उसमें ब्रांड भी नहीं है और 5 से 25 तक सेलर मौजूद हैं, रेटिंग भी अच्छी है। फर्ज कर लें कि ये एक ऐसा हमने प्रोडक्ट निकाल ली कि जो हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रही है, अगर उस प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ जाती हैं तो उसको फर्दर कैसे एनालाइज करना है, हम ये सीख रहे हैं इस वीडियो में। जी सर, ओवर टू यू। जी अच्छा जी, आपने जाहिर सी बात है देखा यार, इसमें तो वेरिएशन है। अब कौन सी वाली प्रोडक्ट मैं लूँ, ठीक है। मैनुअल तरीका तो आपने नीचे से जाके देखा, BSR, ठीक है, BSR इसका कितना है, आपने इस पे इसका 12 है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्लिक लगा हुआ था इसीलिए इसका ये मुझे बता रहा। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे ये वाले प्रोडक्ट का ये जो कलर है इसका, ये वाला, इसका क्या है BSR, ये मुझे यहाँ पे मैनुअली बता रहा है, ठीक है, चेंज हुआ यहाँ पर 11 हो गया, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि BSR जितना कम होगा तो जाहिर सी बात है उतनी अच्छी सेल इसकी होती है, लेकिन ये तो मैनुअल था। अब मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे और थोड़ा सा तसल्ली हो कि आखिर कौन सा इसका वेरिएशन है वो जो ज्यादा बिकता है, कौन सा वेरिएशन हो, तो मैं जाऊंगा टूल के पास, ये है हमारा Helium 10 का, ठीक है, या यहां से आके करें, यहां से नहीं करना कोई इशू नहीं, आप वापस आए यहां से, ये जो आपका Helium 10 है इसको ऑन करें, ऑन करके इसकी एक्सरे शीट जो है इसको आप रन करें, ठीक है, ये आपको सारे स्टेट्स बता देगा, ठीक है, कि ये वाला वेरिएशन जो है उसकी क्या सेल्स हिस्ट्री है, ये देखें आपको बता रहा है, ठीक है। 90 डेज का हम बेसिकली देखते हैं कि किस तरह है, ये वाला आप देखेंगे तो आपको ये दिखाएगा, अब आप कहेंगे नहीं ये वाले की बताओ, ये वाले की आपको अलग से बताएगा जो इसकी हिस्ट्री होगी, ठीक है, 30 डेज की ये बता रहा है, ये 90 डेज की बता रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है और ये सेल्स का ओनली ग्राफ है सर, काइंडली दोबारा से ये ग्राफ ओपन कीजिएगा, जी इसको रिपीट कर लेते हैं। जी 90 डेज ये देखें ये जो ब्लू लाइन है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, सेल्स में ये है कि जितना ये ग्राफ अप जाएगा इट मींस इट्स अ गुड ग्राफ, ठीक है, जी इसको डाउन नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, हर वेरिएशन का SNB चेंज होता है, ठीक है, और आपका ये ट्रेंड लाइन भी चेंज होती है, ये सेल चेंज होती है, ठीक है, ग्राफ जी चेंज बिल्कुल। होगा, बिकॉज वहां पे तो आपको मेन पेज पे तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की आपको बता रहा होता है कि इस लिस्टिंग की रेटिंग कितनी है, ठीक है, और इसकी टोटल कितनी, वो सारी चीजें वहां तो वो रेंडमली बता रहा होता है, जब इसकी कोई वेरिएशन होती है तो फिर इसके अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर खड़े हुए अभी प्रोडक्ट में आए नहीं है तो आपने यहाँ से ये चला दिया, ये तो हम PL में जाके करते हैं, ठीक है, यहाँ से चला दिया तो ये तो ओवरऑल सारे प्रोडक्ट के लिए आएगा, ये फिर वेरिएशन आपको नहीं बताएगा, ठीक है, जी इसीलिए आप अंदर घुसे इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, अंदर आए उस इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने ये जब चलाया ना, फिर उसके अंदर जो जितनी वेरिएशन थी वो उसके सारा हमारे हमें डेटा बता देगा, ठीक है, गुड हो गया। ओके अच्छा जी, ये तो हो गई वेरिएशन, ठीक है, जी इसको लाजिम आप जरूरत हो ना चेक हो करना चेक है। कर जी लिया करें, ठीक है, कि और सर, वेरिएशन तो मेन नहीं है पेज इसके पे, अंदर। सर जी मेन पेज पे जो Helium 10 का ग्राफ शो हो रहा था उसको भी एक दफा रिपीट कर हाँ दीजिए ताकि बस जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है, उस वो नहीं चले तो इसको एक दफा यूं करके, ठीक है, ओपन करके
इसको फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ नीचे आ जाएं, ठीक है। नीचे आएंगे तो जैसे कीपा का चल रहा है, ऐसे ही नीचे ये हीलियम 10 का ये देखें यहाँ पर नीचे चल रहा होगा, ठीक है। जी यहाँ पर आकर ये अच्छा लिखा हुआ है एक्सरे। जी जी, बेसिकली हमने एक्सरे में जाना है, लेकिन जो नॉर्मली शो हो रहा होता है पहले से, उसमें ये सेल्स रैंक वाला ग्राफ होता है। तो मैंने ये दो पॉइंट्स को इसलिए हाईलाइट किया कि बच्चे इन दोनों ग्राफ्स को मिक्स ना करें। जी ये देखिए, जो हमने एक्सरे में ग्राफ पढ़ा था वो सेल्स ओनली था, यहाँ पे जो ग्राफ शो हो रहा है ये सेल्स रैंक है, जी ठीक है। ये जितना ज्यादा ग्राफ नीचे को जाएगा इट मींस उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमने बोला था बीएसआर कम होगा तो सेल्स अच्छी होंगी, तो जी इसमें कभी बिल्कुल। कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस फिलहाल इसको आप अभी अगर ना देखें तो कोई बात नहीं, आप एक्सरे देख बिल्कुल ना लीजिएगा। देखें, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इनको क्लियर होने चाहिए, हाँ क्योंकि हम हीलियम 10 पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हाँ कि क्या है। वेरिएशन के लिए आप यहाँ आएंगे, फिर एक एक प्रोडक्ट यहाँ आपको बताएगा, एक एक वेरिएशन आपको यहाँ आप देख सकते हैं उसकी, ठीक है। ऊपर से भी देखा आपने, यहाँ से भी देखा, ठीक है। नहीं जी, रेटिंग रिव्यूज किसी की चेंज नहीं होंगी, वो एक ही प्रोडक्ट ओवरऑल होती है, वो लिस्टिंग की होती है, ठीक है। वो किसी को भी मिलेंगी रिव्यूज रेटिंग, वो आपको एक ही प्रोडक्ट में दिखाएगा, ऊपर ही दिखाएगा, ठीक है। ये वेरिएशन में नहीं जी दिखा करे, वेरिएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको इसका जो ये एसएन नंबर है, इसके जो अपना प्रोडक्ट नाम है, इसका जो सेल कितनी है, बीएसआर कितना है, ये सारी चीजें दिखाएगा। जी क्योंकि रेटिंग और रिव्यूज होलसेल में लिस्टिंग के होते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गई वेरिएशन, और मजीद हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर ही। हीलियम 10 का चल रहा है ना, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं जनाब, हमें जो है ना इस वेरिएशन की हमें पता चले कि किसके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। हालांकि वो ओएस हमारे पास है, एड ऑन है, ठीक है, उसको भी रहने देते हैं, लेकिन मजीद इसमें से भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हीलियम 10 को हम थोड़ा सा बेहतर टूल समझते हैं, ठीक है। बाकी सारियों के ये पड़ी हुई है इन्वेंट्री लेवल्स, ठीक है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह शीट जो है ये ओपन होगी। अब जितने भी इसके अंदर वेरिएशंस है ना, वो सारे वेरिएशन ये ले आएगा, सॉरी वेरिएशन नहीं, जो आपके सेलर हैं वो सेलर्स ले आएगा। सेलर आपको बताएगा कि भाई ये इसमें इतने इतने सेलर्स हैं, ठीक है, उनके पास कितना कितना स्टॉक है, वो ही आपको बताएगा। अच्छा मीन्स के ये यहाँ पे वो रिजल्ट शो होंगे जो लोग मीटू करके बैठे हुए हैं, उनके पास जी कितना कितना इन्वेंट्री मौजूद है, यहाँ पे वो रिजल्ट शो होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा ये जो है देखें, अब ये वाला जो मिसाल की बात है, ये एक जो मीटू करके बैठा है एक ब्रांड है, ठीक है। अब ये MFN कर रहा है, ठीक है, और ये कह रहा है मेरे पास एक है। MFN कर रहा है और कह रहा है मेरे पास एक है, क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नो नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसने एक टेक्निकल वो चीज गेम खेली है, जिसकी वजह से आपको ये इधर बता रहा है कि मेरे पास इन स्टॉक सिर्फ एक प्रोडक्ट है। हालांकि ये एक इसके पास प्रोडक्ट नहीं है, हो सकता है इसके पास 1 लाख से भी, 1,000 से भी ज्यादा हो प्रोडक्ट हो, ठीक है। बेसिकली एक टेक्निक इसने अप्लाई की हुई है ताकि हम लोग ये मालूम ही ना कर सकें कि एक्चुअल इसके पास कितना जी, स्टॉक मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि ऐसा सियाना शिकरा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कोशिश करें आप ऐसे जो अगर बैठे हो ना, तो उनके साथ आप जो है ना उससे थोड़ा सा भाग जाया करें, ठीक है। नहीं, रिजल्ट तो वो अपनी जगह है, वो तो आपकी बात सही है, रिजल्ट में थोड़ा बहुत तो होता है फ्लैक्चुएशन, लेकिन जो ये वाली टेक्निक है ना, जो स्टॉक वाली, ये वाली में तो ये इस तरह से करते हैं, ये हाइड होता है। किस तरह से हाइड होता है, मिसाल की बात है, जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, लिस्टिंग में हम कहते हैं जनाब मैं जो है, मेरे पास जो बंदा बायर्स आए ना, वो बायर मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक बायर एक प्रोडक्ट खरीद सके, ठीक है। अगर मैंने वो लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पर ये मुझे ये शो करेगा, मेरे मेरा स्टॉक शो करेगा कि इसके पास है ही एक, क्योंकि मैं बायर एक हूँ, ठीक है ना, एक ही विंडो से देख रहा हूँ, तो ये मुझे एक ही दिखाएगा। तो ये टेक्निक है बेसिकली, आपका अपना स्टॉक
उसको हाइड करने का, क्योंकि आप वो जाहिर सी बात है ये होंगे ना शिकरे होंगे, इनको पता है कि किस तरह गेम खेलनी है, तो ये अपना स्टॉक भी बचा के रखते हैं ताकि हमें किसी को पता ना चले और कोई कॉम्पिटिटर हमारा तैयार ना हो जाए। वैसे इसके अंदर अमेजोन भी है, ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ से हम देख सकते हैं। गुड जी, हो गया, ठीक और है, ये टेक्निक आपको मजीद आगे जाके तब समझ आएगी जब हम आपको लाइव अकाउंट पे लेके जाएंगे ना सेलर सेंट्रल पे, के होलसेल के लिए लिस्टिंग कैसे अप्लाई की जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी इसको यहाँ पे इतना अंडरस्टैंड आप लोग कर लें। ठीक है। जी अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है मैं आपको ये थोड़ा सा आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ तो मैं दिखा देता हूँ फिलहाल आपको, ठीक है। ये इस प्राइस पे सेल हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और इतनी इतनी इसको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है इसको, ठीक है, और ये 31 प्रॉफिट मार्जिन है, ROI इसका 110 है, 0.27, ठीक है। तो खैर, होलसेल में सारा बिजनेस आपका, आपकी जो सोर्सिंग है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरी, ये सिर्फ अमेजोन में नहीं पूरी दुनिया में, आप कहीं पे भी चले जाएं, होलसेल का मकसद यही होता है कि आपने जितना सस्ता माल खरीद सकते हैं ना उतना सस्ता आप खरीदें, ठीक है, और जहां से पैसे बचा सकते हैं बचाएं और आके अच्छे रेट में सेल कर लें, ठीक है। अली असगर, इसकी बारी बाद में आएगी, हाँ, ये पहले इन्वेस्ट, हम लोग ये सारी चीजें हाँ पढ़ेंगे। हाँ इन सारी चीजों का वो निचोड़ होता है, ROI लास्ट स्टेप होता है। हाँ ठीक है, हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ इसमें तो कोई वो नहीं है, हाँ ठीक है। वैसे 20% ही होता है, ज्यादा नहीं होता, 10 to 20% एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना उसकी हम जो है वो कितना एक्सपेक्ट करेंगे हमें ये रिटर्न मिलेगा। अगर मैं $4,000 खर्च कर रहा हूँ अपनी सारी गेम पे तो मुझे 10 से 20% तो होता है कि यार रिटर्न होगा, ठीक है। जी अच्छा जी, तो ये तो थोड़ा सा था इसका, जितना इसका थोड़ा बहुत काम आना जी था। असल में आज हीलियम 10 हमने कवर करना था, होलसेल में इसका कितना यूज है, क्या क्या इसमें चीजें देखनी जरूरी होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस इसमें हमने यूज करने हैं, वो हमने आज क्लियर किए हैं। हीलियम 10 10, उसकी बात हम लोग चलेंगे कीपा की तरफ। जी, हीलियम 10 सबको क्लियर है तो हम अब कीपा की तरफ चलें। अच्छा जी, चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, कीपा की तरफ आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये कीपा का फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट पेज इस तरह का होता है, आपने लॉगिन वगैरह किया, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है सर, प्लीज। अच्छा, अब चलें एक एक काम काम करते करते हैं हैं, ना सर, मेरा ये मशवरा है कि कीपा का ग्राफ समझ लेते हैं, ठीक है, इसको कल की क्लास में फटाफट से रिपीट भी कर लेंगे, क्योंकि इतना स्लो चलेंगे ना तो बच्चे एक तो ग्रिप हासिल नहीं कर पाएंगे, बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं और बच्चे भी फिर उस हिसाब से स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा ना क्विक हो जाए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। नहीं इशू, आप मैडम इनका कोई इशू बात जो है नहीं, वो क्लास के रिजोल्व बाद करवा दें, नहीं इट्स ओके, क्लास के बाद इनका वो रिफ्रेश करवा देते हैं, ठीक है, क्लास के बाद जब इन्होंने प्रैक्टिस करनी होगी तो वो चलेगा। ठीक हो गया, चलें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जी अच्छा जी, हमने यहाँ पर रैंडमली कोई भी नाम लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। फिलहाल इसको मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, पहले हम इसका जो है वो जो असल चीज़ है जो समझने वाली है वो हम समझते हैं,
ठीक है, इसको हमने ओपन किया ग्राफ को, ठीक है। सो बेसिकली आज का टॉपिक है कीपा के ऊपर कि कीपा का ग्राफ कैसे देखा जाता है। इसको ध्यान से सब बच्चे आंखें खोल के समझिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है होलसेल में। ये देखें, ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश करूं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है आपका कीपा का ग्राफ, ठीक किस है किस को समझ आ रहा है? जी। अच्छा जी, यहां पर ये साइड है आपकी प्राइस की, ठीक है, और ये आपकी सेल्स रैंक है, ठीक है। इस साइड पे ये प्राइस है आपका, ठीक है, और ये सेल रैंक, ठीक है, और ये आपके जो मंथ हैं, ठीक है, ये मंथ्स हैं। अब कहाँ से शुरू करते हैं हम? अब हम अच्छा शुरू यूं करेंगे कि ये जितने भी ऑप्शंस ऑन हुए हैं सबसे पहले हम इन सब को ऑफ करेंगे ऑफ करेंगे, ताकि वन बाय वन ये सब चीजें हम लोग अब डिटेल इसको से इनको देख सकें। ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख करेंगे जो अमेजोन लिखा हुआ है, ये जो है बटन, इसको हम प्रेस करेंगे, ये बंद हो गया, ठीक है। ये न्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया, बंद हो गया। ये यूज बंद हो गया, ये सेल रैंक बंद हो गया, ये लिस्ट प्राइस बंद हो गई, ये न्यू थर्ड पार्टी FBM बंद हो गया, ये लाइटिंग डील्स बंद हो गई, वेयर हाउस डील्स बंद हो गई, न्यू थर्ड पार्टी FBA बंद हो गई, बाय बॉक्स बंद हो गया, ठीक है, यूज्ड लाइक न्यू ये बंद हो गया, यूज्ड वेरी गुड और यूज्ड गुड, यूज्ड एक्सेप्टेबल बंद हो गया, ये ईबे बंद हो गया, ईबे यूज्ड बंद हो गया, ठीक है। और तो ये बिल्कुल साफ सुथरा कागज हो गया। ये भी ऐसे हो गया, बंद कर दिया, ठीक है। इसके भी अलावा करना है तो एक सेकंड, इसको और लेस करना है, और लेस कर लेते हैं, चले। नौशीन, ग्राफ हमने ऐसे ओपन किया कि सर्च के ऑप्शन में जाके रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट हमने लिखी है, ठीक है, देन उसमें से एक प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया है, उसके बाद ये ग्राफ ओपन हो गया है, ठीक है मैं दोबारा थोड़ा सा कर लेता हूँ, देखें ये यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना जी। आ जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट आप खोलेंगे, अगर आपका इसमें इंस्टॉल हुआ होगा तो ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। पहले जी हम सीख जी लेते हैं यहाँ पे अलग से आके, फिर आप कहीं पे भी ये ऐसा ग्राफ होगा आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, इसको समझ जाएंगे, एक ठीक है। नजर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट काम की है या नहीं है। अच्छा मैडम, 5 मिनट इसके रह गए हैं तो ये बात अधूरी हो जाएगी, क्या हम न्यू लिंक में स्टार्ट कर लें इसको? कीपा जिसको सीखना होगा वो उसी लिंक पे क्लिक कर लेगा, एज यू विश। ठीक है। मैं दोबारा लिंक देता हूँ आपको। ओके।